अच्छा सर, सबसे अहम इशू इस वक्त जो जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से क्या मौकिफ है आपका? देखिए, मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में गुनाहों की सज़ा नहीं होती, गुनाह ना करने की सज़ा होती है। बात यह है कि अगर वो उसने कुछ जराइम किए थे 2017 में टॉप सिटी के हवाले से, तो आपका सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम खुद बहुत वो ऑन क्यों नहीं हो गया कि भाई इसके पीछे फैज़ हमीद है या उसका भाई है? अच्छा, फैज़ाबाद धरना केस में आपने क्यों नहीं उसको कुटल दे दी? असल केस तो वो था। आप ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने तो खुद कह दिया कि जी 6 महीने के अंदर अंदर हम सारे बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और ये सब कुछ हुआ, और बाजवा के खिलाफ क्यों नहीं फिर एक्शन लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, एसएनएन के साथ हूं अचाम फुकान चौधरी, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। मैं मौजूद हूं। शेब शेन साहब, सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। सर बताइएगा, आज डेट थी 13 अगस्त, अजहर मिशवानी के भाइयों को बाजियाबी के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट में, क्या हुआ, क्या पेशरफ हुई, उससे सबसे पहले ये बताइएगा। देखें, तमाम जो कंसर्न रिस्पॉन्डेंट थे, आईजी इस्लामाबाद, रिस्पॉन्डेंट जो सेक्रेटरी इंटीरियर है, उनको बाकियों को पर्सनली तलब कर लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह या तो बंदे को प्रोड्यूस करेंगे या उनको जो भी गिरफ्तारी डालनी है वो कुछ ना कुछ करेंगे, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि इनके खिलाफ नोटिस या इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, ये कानून की हुक्मरानी नहीं, ये कानून नहीं, ये जंगल का कानून है। अच्छा सर, सबसे अहम इशू इस वक्त जो जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया गया, उस हवाले से क्या मौकिफ है आपका? देखिए, मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में गुनाहों की सज़ा नहीं होती, गुनाह ना करने की सज़ा होती है। बात यह है कि अगर वो उसने कुछ जराइम किए थे 2017 में टॉप सिटी के हवाले से, तो आपका सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम खुद बहुत वो ऑन क्यों नहीं हो गया, उनको क्यों नहीं पता चला उस वक्त? हालांकि सारे मीडिया ने चलाया था, सब लोगों ने बताया था कि भाई इसके पीछे फैज़ हमीद है या उसका भाई है। तो बात ये थी कि आपने उस वक्त आपका सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कमज़ोर क्यों था या सो क्यों गया था? तो लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर गया तो आपने उसको टेकअप किया। लेकिन इसमें भी तो जो बज़ाहर ये लगता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ टॉप सिटी का इशू नहीं है। अच्छा, फैज़ाबाद धरना केस में आपने क्यों नहीं उसको कुटल दे दी? असल केस तो वो था। देखे ना, इसमें तो टॉप सिटी वाले में तो कंप्लेंट भेज दी गई कि जी आप इस पर इंक्वायरी कर लो, लेकिन टॉप सिटी फैज़ाबाद धरना केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी और उसमें उन्होंने कह दिया कि जनाब इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है, सियासत में मुदाखलत है। अच्छा, उससे हम आगे चलते हैं। आप ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने तो खुद कह दिया कि जी 6 महीने के अंदर अंदर हम सारे बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और ये सब कुछ हुआ, तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने ये एक्शन लिया? ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आज भी मौजूद है ना, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, और बाजवा के खिलाफ क्यों नहीं फिर एक्शन लिया? तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि इनकी नीयत इंसाफ नहीं है, इनकी नीयत कुछ और है। खान के ऊपर भी हाथ पड़ सकते हैं, ऐसा बयानियाँ लिया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि खान का इससे कोई ताल्लुक है या खान के साथ इनका कोई इशू है या कोई रेफरेंस है, खान का मामला इससे कोई ताल्लुक। लास्ट क्वेश्चन, आईएसएफ के जो नौजवानों को पकड़ा जा रहा है, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, हमारे आईएसएफ के लोग ये हमारा मुस्तकबिल हैं, और जिस दिन इन लोगों ने खड़े हो जाना है, ये कठपुतली भागने में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बांग्लादेश मॉडल आपके सामने आ चुका है, ये चोर आप उनको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। भाई ये हमारे बच्चे हैं, हमारा मेमार हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं। तुम्हारे अपने घर से लोग निकलेंगे, तुम्हारे अपने घर से लोग बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह, तुम्हारे खिलाफ एक इनकलाब लेकर आएंगे, और वो दिन दूर नहीं है। ये जितना चाहें जुल्म कर लें, तशद्दुद कर लें, बर्बरियत का माहौल कायम कर लें, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है और यहाँ इंकलाब आके रहेगा।